यही खटारा है। सर ऐसे है, अगर विधानसभा का जब सत्र बुलाया जाता है उसमें अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है, हमारा पक्ष नहीं उठाया जाता, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि उस विधानसभा के सत्र में हमारी तरफ से ये कहा जाए कि हम 1983 पीटीआई को इकट्ठे हमें फांसी की सजा दे दे अगर हमें नौकरी नहीं मिल सकती तो। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा हटाए गए 1983 पीटीआई के समर्थन में कर्मचारी हांसी के भगत सिंह पार्क में प्रधान महावीर सिंह की अध्यक्षता में एकत्रित हुए। तमाम हटाए गए पीटीआई सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा विभागीय संगठनों ने इकट्ठा होकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए हांसी के विधायक विनोद भ्याना के आवास पर जाकर हटाए गए पीटीआईयों को वापिस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ सुरेंद्र यादव ने कहा कि 1983 पीटीआई अध्यापकों को निर्दोष होते हुए भी राजनीति का शिकार बनाते हुए नौकरी से निकाला गया है। 1983 पीटीआई को ड्यूटी से हटाने के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ और तमाम सर्व कर्मचारी संबंधित यूनियनों ने आज प्रदर्शन करते हुए जो फैसला 9 जुलाई को रोहतक से लिया गया था, 11 जुलाई को सांसदों को ज्ञापन देंगे प्रदेश के और 13 और 14 जुलाई को तमाम विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। उसी कड़ी में आज हम प्रदर्शन करते हुए यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और सरकार से मांग करते हैं विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमाम पीटीआई साथियों को वापस ड्यूटी पे रखा जाए और सरकार के पास पद काफ़ी हजारों की संख्या में खाली पड़े हैं। ये पीटीआई अध्यापक जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया, ये आ जाए थे। देखिए, चाहे किसी तरह से भी हो, 10 साल जो व्यक्ति नौकरी कर ले और 10 साल बाद उसको घर भेज दे तो इनके लिए तो बड़ी दुखद बात है ही, मगर कोई ना कोई चुनाव जो प्रक्रिया रही इनको सिलेक्शन करने की उसमें कोई ना कोई कमी तो थी, नहीं तो ये सुप्रीम हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी इनके खिलाफ़ फैसला गया। तो अब ये आज मुझे ज्ञापन देने आए हैं और मैं ये पहले भी आ चुके हैं मेरे पास, हम तो केवल इतना, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो ना सरकार कोई फैसला कर सकती, कोई भी नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसका फैसला सर्वमान्य है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है उसका पालन करना और करवाना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि इनकी भी नौकरी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, अगर सरकार किसी तरह से इनको एडजस्ट कर सकती है तो मैं तो सरकार को भी ये प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर इनकी कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा और सारा देश जानता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए उसकी अनुपालना करते हुए अगर कोई इनकी मदद कर सकती है सरकार तो ज़रूर करेगी, ऐसी मैं सिफारिश करूँगा।